बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित हुए दरोगा इंतजार अली ने दाढ़ी कटवाकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। दरअसल दरोगा इंतजार अली दाढ़ी कटवाने के बाद एसपी के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद एसपी अभिषेक सिंह ने उनका निलंबन वापस लेते हुए बहाल कर दिया। हालांकि दरोगा के दाढ़ी कटवाने को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके इस निर्णय पर एतराज जताया है। उलेमाओं के मुताबिक इस्लाम में शरीयत के हिसाब से दाढ़ी न रखना जुर्म है और मजहबी दाढ़ी रखकर कटवा देना उससे भी बड़ा जुर्म है। उलेमा ने कहा कि अगर शरीयत और सुन्नत की बात आती है तो ऐसे मौके पर दाढ़ी नहीं बल्कि नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। दाढ़ी कटवाकर दरोगा इंतजार अली ने शरीयत के हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म किया है। देखिए, दाढ़ी के सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि दाढ़ी न रखना भी नाजायज है और दाढ़ी रख कर के कटा देना ये और बड़ा जुर्म है। लिहाजा दाढ़ी कटा करके नौकरी को तरजीह देना या अपने कारोबार को तरजीह देना, इस्लाम और सुन्नत को तरजीह ना दे करके किसी कारोबार को करना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मौक़ों पर अगर कहीं ऐसी बात आती है तो दाढ़ी नहीं बल्कि इस तरह की नौकरियां छोड़ देनी चाहिए आदमी को जहां जो है इस्लाम और सुन्नत पर जो है आँच आती हो। बहरहाल मैं इसमें मेरा यही कहना है कि उन्होंने ये शरीर से बहुत बड़ा जुर्म किया है। आपको बता दें कि बागपत के रमाला थाने में तैनात दरोगा इंसार अली को अनुशासनहीनता करने के मामले में निलंबित कर दिया गया था। दरोगा के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो 3 बार हिदायत देने के बावजूद भी दाढ़ी नहीं कटवा रहे थे। पुलिस के मुताबिक रामाला थाने में तैनात दरोगा इंसार अली विभाग की इजाजत के बिना ही चेहरे पर दाढ़ी रख रहे थे। उन्हें कई बार दाढ़ी कटवाने या फिर दाढ़ी रखने की इजाजत लेने को कहा गया था, इसके बावजूद उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। इस अनुशासनहीनता के लिए उनको सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया गया था, लेकिन दरोगा की दाढ़ी कटवाने पर उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।